20 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। बिहार से ऐसी खबरें सामने आती रहती है जहां पर यह देखा जाता है कि दूल्हा जब बारात लेकर जाता है तो दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि दूल्हा बारात लेकर ही नहीं जाता है, और अगर दूल्हा बारात लेकर चला भी जाता है तो शादी नहीं हो पाती है। तो कभी कोई लड़का यानी कि खुद दूल्हा ही शादी नहीं करना चाहता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसके बाद दूल्हा को बिन दुल्हन के ही लौटना पड़ता है। लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है, यहाँ पर दोनों की शादी हो जाती है, दूल्हा और दुल्हन दोनों की शादी हो जाती है, और वहीं दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, और वहीं दुल्हनिया भी पहुंच जाती है उसके घर पर। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये सामने आती है कि दुल्हनिया तो पहुंच जाती है लेकिन दूल्हा नहीं पहुंचता है, जिसका इंतजार दुल्हनिया करती रहती है। अब आखिर में ये पूरा मामला कहाँ का है और ऐसा क्या हो जाता है जिसके बाद दूल्हा अस्पताल पहुंच जाता है न कि अपनी दुल्हनिया के पास। बिहार के नवादा से सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुफस्सिल थाना के जैकी चौक गांव में एक नए नवेले दूल्हे को बेरहमी से पीटा गया है। पीड़ित युवक का नाम राहुल कुमार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को ही उसकी शादी हुई थी। शुक्रवार को दुल्हन लेकर वापस अपने गांव आया था। बताया जा रहा है कि सुहागरात से ठीक पहले कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। राहुल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर शाम राहुल परिवारजनों के साथ अपने घर पर था, तभी कुछ लोग उसके घर आ धमके और राहुल को घर से बाहर खींचकर बुरी तरह पीटने लगे। राहुल के परिवार वालों ने जब यह देखा तो उन्होंने बीच बचाव करने के लिए दौड़े और मौके पर पहुंचे। परिवार के लोगों को देख बदमाश धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इसके बाद परिवार वालों ने तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लहूलुहान हालत में पड़े राहुल को अस्पताल पहुंचाया। राहुल ने पुलिस को बताया है कि उसके गांव के ही कुछ लोग नशे की हालत में थे और उन्हीं लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। राहुल के बयान पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि राहुल के साथ मारपीट क्यों गई है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि राहुल के साथ मारपीट क्यों की गई। और इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।